हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका नाम मैथमेटिक्स वन है। और इसमें हम लोग की यूनिट फोर चल रही है, और यूनिट फोर में इनडेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है, टॉपिक का नाम है। और इससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, 21 क्या है। ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स का स्क्वायर अपॉन ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या तरीका होता है, जैसे आपको पता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसी तरीके से हमने इसको ओपन कर दिया, तो क्या आ गया, ए की पावर टू एक्स बी की पावर टू एक्स टू ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स। अब हमने इस इन तीनों को डिवाइड कर दिया ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स से। जब डिवाइड करा तो हमको ये मिल गया। इसको मिलने के बाद हमने ऐसे लिख लिया, a अपॉन b की पावर x, दोनों की पावर x थी, b अपॉन a की पावर x प्लस टू। अब हमें एक फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन में कि a की पावर अगर bx एक्स प्लस डी है, ठीक है, bx एक्स प्लस डी है तो उसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर bx एक्स प्लस डी अपॉन log ea, a जो भी है a की जगह पे a इंटू एक्स का जो भी कोफिशियंट है वो वन अपॉन में आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने किया, यहाँ पे केवल ए की पावर एक्स दिया है, देखिए बी एक्स प्लस डी की जगह पे केवल एक्स गिवन है, तो क्या आया ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए, ए क्या है यहाँ पे ए अपॉन बी, ठीक है। ऐसे ही इसका करा तो ए की पावर एक्स, ए क्या है यहाँ पे बी अपॉन ए, लॉग ई बी अपॉन ए प्लस अब टू टू लिख दिया। और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू इंटू वन है, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो टू एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। और इससे आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर, अगर नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा, साइन की पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हमने क्या किया कि इसको लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर थ्री। तो एक्चुअली अब आप ध्यान से देखना, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं, इससे पहले आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन नोट कर लिए। अब देखिए यहां पे साइन की पावर सिक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स एक्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस फॉर्म में कैसे लिखा उसको समझने के लिए आपको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला देखना होगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। अब हमने यहाँ पे a को मान लिया साइन स्क्वायर एक्स और b को मान लिया कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का अगर क्यूब है तो साइन ए की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स है, इसका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर सिक्स एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब कॉस की पावर सिक्स एक्स प्लस थ्री ए बी, तो थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आएगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर साइन की पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स एक्स, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। अब ये सारी चीज इधर ले आई इक्वल टू के, माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह पे हमने ये लिखा है, कहां से लिखा है, यहां से लिखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है वन, तो वन का क्यूब वन होगा, तो वन। अब ये बीच में माइनस का साइन हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में आ गया। फिर इसको डिवाइड करा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से, तो इससे ये वाला कट गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन हो गई, तो बचा क्या, केवल माइनस थ्री।
अब हमने फिर से 1 की जगह पे क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि अब हम इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह पे हमने 1 की जगह पे क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमने ये दो पार्ट बन गए, इन दोनों पार्ट को साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा, तो फर्स्ट पार्ट में तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, फर्स्ट पार्ट में साइन से साइन कट गया, आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, फिर सेकेंड पार्ट में कॉस से कॉस कट गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस 3। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 21 और 22। फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, इंटीग्रेट करना है tan 2x, tan 3x, tan 5x dx, ठीक है। तो हमने क्या किया, tan 5x को लिख सकते हैं tan 2x प्लस 3x। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला लगा है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पे a की जगह है 2x, b की जगह पे है 3x, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इसके साथ ये वाले आ गए, इसका मल्टीप्लाई इसके और इसके साथ हो गया, इधर लिखा, इसको हमने इधर लिखा, ठीक है। अब आप ध्यान दो कि जो आपको इंटीग्रेट करना है उसको एक साइड कर लो, तो हमने इस वाले को इक्वल टू के इधर कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट करना है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अब tan 5x था, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो ये दोनों माइनस में हो गए, मतलब इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो हमने यही किया, यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। अब ये पुट कर दिया, अब हमें पता ही है tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, log sec x, x का कोफिशियंट से डिवाइड कर देंगे, ऐसे यहाँ पे log sec 2x डिवाइडेड बाई 2, log tan, log sec 3x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, tan x अपॉन a प्लस b का a प्लस b tan स्क्वायर x। तो हमने क्या किया, tan को sin अपॉन cos में कर दिया, यहाँ पे भी tan को sin अपॉन cos में कर दिया, इसके बाद हमने LCM ले लिया, तो a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, यहाँ पे भी अपॉन में cos x है, तो cos x से एक cos x कट जाएगा और दूसरा cos x चला जाएगा ऊपर, तो हमें ये मिल जाएगा। इसके बाद हमने जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको हमने ले लिया t। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 cos a तो रहेगा ही, 2 a cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, इसी तरीके से 2 b sin x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, dx dt। अब हमने dx की वैल्यू निकालनी, तो dt अपॉन में ये सारी चीजें आ गई। अब इन दोनों से अगर आप 2 sin x cos x कॉमन ले लोगे तो अंदर b माइनस a बचेगा। अब यहाँ पे dx की जगह पे dt अपॉन ये रख दोगे, तो रख दिया, sin x cos x, sin x cos x कट जाएगा, 1 अपॉन 2 b माइनस a, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर कर लेंगे, और इसकी जगह पे क्या आ गया, t, तो 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t, log t। अब t की वैल्यू हमने क्या ली थी, ये है t की वैल्यू, ये पुट कर देंगे, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 8x dx, ठीक है। तो हमने साइन की पावर 4x इस पूरे में कॉस की पावर 4x से कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर वाला टर्म बन गया टेन की पावर 4x और नीचे बन गया केवल आएगा कॉस की पावर 4x, तो 1 अपॉन कॉस की पावर 4x होता है सेक की पावर 4x। अब sec की पावर 4x को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। अब एक sec स्क्वायर x की जगह पे हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x और एक sec स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब हमने tan x को t ले लिया, तो इसका क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर dx की जगह पे तो dt लिख दिया,
10 की जगह पे हमने t लिखा तो ये t स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ t की पावर 4 हो जाएगा। t की पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो t की पावर 4 प्लस t की पावर 6 आ जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, तो t की पावर 5 अपॉन 5, ऐसे ही t की पावर 6 का करेंगे तो ये आ जाएगा, आंसर आ गया। अब t की जगह आप पुट कर दो वापस से 10x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, dx अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4x स्क्वायर। अब 9 प्लस 4x स्क्वायर है तो हमने क्या किया, इस पूरे को जो भी x का कोफिशियंट होता है, x स्क्वायर का कोफिशियंट, उसे डिवाइड कर दिया, तो यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 4। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर हो गया, 9 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हो, 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, यहां पे अंडर रूट का साइन लगाना हम भूल गए हैं, तो अंडर रूट का आप साइन लगा लेना। ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया है और 3/2 का हमने स्क्वायर ओपन करके 9/4 लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, dx अपॉन x अंडर रूट log x का होल स्क्वायर माइनस 10। तो log x को जब t ले लिया तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। अब ये 1 अपॉन x dx की जगह पे तो हमने dt पुट कर दिया, log x की जगह t स्क्वायर आ गया, log x की जगह t आ गया और स्क्वायर की जगह स्क्वायर माइनस 10। अब ये 10 किसकी जगह पे लिखा हुआ है, ये t स्क्वायर तो x स्क्वायर की जगह पे है और 10 किसकी जगह पे लिखा हुआ है, a स्क्वायर की जगह पे, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू है 10 और x स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है इसका फॉर्मूला, लॉग, सेम यही वाला फॉर्मूला लग रहा है। यहां पे था 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पे है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या होता है कि चेंजेस तो ज्यादा कुछ नहीं होते हैं, सेम ही फॉर्मूला है। एक मिनट आपको हम जो है बता देते हैं, पहले वाले में हम लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया था लॉग एक्स प्लस, ठीक है, प्लस वाला साइन लगाया था, फिर दूसरे वाले में जो इसमें फॉर्मूला लग रहा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे जो वैल्यू पुट होती है वो यहीं पे आ जाती है, तो बीच में साइन तो देखिए प्लस का ही लिखा हुआ है, लॉग टी प्लस अंडर रूट क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो लिखा हुआ है, वही हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस सी। ठीक है, अब हमने टी की जगह वैल्यू पुट कर दी लॉग एक्स, तो लॉग एक्स टी की जगह वैल्यू पुट कर दी तो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गए, फटाफट इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे।